हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है ग्वालियर ट्रिप का पार्ट टू। और आज आपको ना ग्वालियर फोर्ट की काफी सारी हिस्ट्री जानने को मिलने वाली है, तो प्लीज बने रहिएगा। दीवाने खास के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट आर्टिफैक्ट बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राजा के रूलिंग टाइम के बहुत मस्त फाइटिंग सिंबल है। बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, आगे फेस में एलिफेंट भी है, आई बुल का है, मिक्स एनिमल। फाइटिंग के लिए जब राजा जाते थे उनके फ्लैग में ये सिंबल होता था। फेस्टिवल यदि होता है उनके फ्लैग में पिकॉक होता था। तो ये राजा का दीवाने खास था। राजा की वाइफ विंडो के बैक साइड, किंग मानसिंह इधर टॉप पर बैक साइड में बैठते थे। तो राजा मानसिंह तोमर के समय का ये था दीवाने खास। दीवाने खास के ठीक सामने बना है टेम्पल। इस टेम्पल में 33 विंडो वाला 33 गॉड का छोटा छोटा स्टैचू लगा हुआ था, जिसमें जनरली मानते हैं कि कोटि में इस प्रकार होता है। कोटि शाब्दिक और करोड़ भी होता है, जिसमें 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। इसलिए यहाँ पर 33 गॉड की पूजा होती थी। इस टेम्पल होने की वजह से इस पैलेस को एक नाम भी दिया गया है, मान मंदिर पैलेस। मानसिंह महल के अंदर ये मंदिर है। दीवाने खास के ठीक सामने मंदिर है। रानियां हमेशा शादी होकर आती थी, जब उनका गृह प्रवेश होता था वो हमेशा इस मंदिर को शपथ लेती थी। इस महल के अंदर मंदिर भी है। बहुत ही छोटा छोटा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि राजा महाराजाओं की पहले हाइट बहुत ज्यादा होती थी, मगर इसमें स्मॉल डोर बनाने का रीजन था कि शादियां स्वयंवर होती थी। जिनकी शादी नहीं हो पाती थी वो हमेशा नाराज होकर के महलों पर फाइट करने के लिए एंटर करते थे। राजाओं ने रूल बनाया था 3। फर्स्ट रूल, छुपके फाइट नहीं करेगा। सेकंड रूल, निहत्थे पर बार नहीं होगा। और रात्रि में कोई दुश्मन नहीं आ सकता। इसलिए राजा के महल में बिना वार्निंग के कोई फाइटिंग करने यदि आता है तो झुक के आएगा, इसका गर्दन लेडीज फीमेल की नर गर्दन काट देगा। इसमें छोटा गेट है, वन वे, एक आदमी एक बार मार सके। ये राजा के टाइम का बहुत पुराना टेलीफोन सिस्टम है। एक बार बोलते हैं आवाज जाती है, एक से वापस आती है। इस साउंड सिस्टम भी बनाया था एको। लोगों को तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि एको भी कुछ होता है। उनको तो डाउट ये था कि हमने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो कान नहीं होता, वो एको होता है। राजा की वाइफ अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, अलग अलग स्टेट की होती थी, तो राजा की बोलने की ध्वनि को कोई समझ नहीं पाता था। तो ट्रांसलेटर एको के सामने खड़ा होता था, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलती थी, उसी का ट्रांसलेट करके इस महल के अंदर आपस में वार्तालाप कर सकते थे। इंडिया का फर्स्ट एको ग्वालियर, सेकंड एको है गोलकुंडा, थर्ड एको लखनऊ, और लास्ट वाला है गोल गुम्बद बीजापुर। भारत में एको हमको सबसे पहले ग्वालियर में देखा। एको शूटिंग हुई है, यस। अभी आप जिस पैलेस के अंदर कर रहे हैं, इसके आउटसाइड कई मूवी का शूटिंग हुआ है। यहाँ पर जैसे माना जाता है कि यहाँ लुका छुपी मूवी का शूटिंग हुआ। अच्छा। कार्तिक भी ग्वालियर से ही है, कीर्ति सिन्हा भी साथ में थे। और यहाँ पर एक सेकंड मूवी थी बहुत ही फेमस, जिसका नाम था लुका PS1 पोनियन सेल्वन, ऐश्वर्य वाला मूवी प्रकाश राव की, उसका भी शूटिंग इधर ही हुआ है मध्य प्रदेश में। अरे रिवॉल्वर का भी हुआ है, हाँ थोड़ा बहुत सीन है यहाँ का ग्वालियर का। और इस एरिया में राजा मानसिंह टूरिंग कैंप है, बैक साइड में पूरा एलिफेंट गेट है, जहाँ से एलिफेंट से राजा महाराजा जाया करते थे। वार्निंग के मतलब बिना आदेश के इसमें अगर एंट्री करता है, झुक के प्रवेश करेगा, उनका गर्दन सोल्जर्स काट दिया करते थे। इसमें छोटा गेट, अभी आप देखिए हम यहाँ खड़े हैं, ये बहुत ही अंदर आ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें स्मॉल हॉल जैसा दिख रहा है आप, ये पूरा हैंडमेड है। इसमें ओल्ड टाइम पर एक बहुत फेमस डायमंड कट मिरर हुआ करता था। राजा के जो फाइटर होते थे बहुत कट जाते थे, यदि महल में आने का प्रयास करते थे और अंदर घुसते थे या बाहर जाते थे, वो अपने फेस को देख करके डर जाते थे, क्योंकि वो अंदर फेस उनका कटा होता था।
और अंदर डायमंड कट था, इसी से कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया था। रोशनी भी आती थी मगर यहाँ से हवा भी आती थी। राइट साइड जाएंगे तो फांसी का चले जाएंगे, बैक साइड जाएंगे तो वेटिंग हॉल जाएंगे, नीचे जाएंगे तो जौहरकुंड पहुंच जाएंगे। इस तरीके को डिजाइन किया गया। इस आर्किटेक्चर और बेसमेंट के होने की वजह से इस फोर्ट को बहुत मजबूती से बनाया गया, इसलिए इसका नाम है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। मतलब इस फोर्ट को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बावर ने स्वयं इस किले का वर्णन अपनी बावरना बुक में भी उसका वर्णन किया है। तो गाइस ये है जौहरकुंड। जौहरकुंड वो होता है ऐसा माना जाता है, राजा का फाइटिंग में डेथ होता है, डेड बॉडी नहीं मिलती है, रानी को बॉडी दी जाती है, तो शादी करो या खाली करो। उस सिचुएशन में कई रानी एक साथ में सेल्फ सुसाइड करती है, उसको कहते हैं जौहर। सती होता है उस राजा की डेड बॉडी के साथ, सती होना जौहर करने के दौर में सेल्फ डेथ होता है, पर जौहर एक साथ में कई रानी कर सकती है। ये जौहरकुंड हाँ अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये राजा के समय का बहुत ही फेमस शाही बेडरूम हुआ करता था। भारत में कोई इलेक्ट्रिकल सुविधा नहीं थी, कोई लाइट वगैरह नहीं था। उस जमाने में भी राजा ने बहुत ही अच्छा कूलर बनवाया था, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको बहुत पुराना। ये सामने जो हॉल देख रहे हैं यहाँ से एक लकड़ी का रोड डाला गया, रोड के आउटसाइड एक बिग फैन स्मॉल फैन, अंदर खसखस के घास के पर्दे, ये डीप था, इसमें वाटर एंड सेप्रोन, खसखस के घास के पर्दे के अंदर वाला भी फैन घूमता था जब बाहर को घूमेगा तो यहाँ पर खुशबूदार हवा को स्प्रे करता था। और यहाँ आप देख सकते हैं ग्वालियर की खूबसूरती है ना, खूबसूरत। तो अब जाते हैं घर क्योंकि बहुत थक गए हैं। हम लोग घूम लिए किले और अब जा रही हूँ मैं घर, बहुत थक गई हूँ। घर पहुँच के आपको मिलती हूँ। तो गाइज ये व्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल बिल्कुल हिम्मत नहीं थी तो मैंने घर आके शूट ही नहीं किया। और कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी और मैंने एंड किया भी नहीं था गाइज, क्योंकि मुझे ना आज राखी के लिए जाना था। तो आज मेरा आज राखी है, आज रक्षाबंधन है, तो मैं जा रही हूँ। ये तो मेरा भाई बैठा हुआ है, इसको मैंने अभी तक टीका नहीं किया है क्योंकि मुहूर्त था 1:30 बजे का, तो 1:30 बजे के बाद इसको भी कोई काम थे, तो फिर हम शाम को ही मैं इसको टीका करूंगी। और मैं जा रही हूँ अभी अपनी ताई जी लोगों के यहाँ, उन सबको टीका करूंगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब अपने भाइयों को टीका करूंगी और फिर मिलती हूँ आपको, और वहाँ का भी वहाँ जाके भी आपको दिखाती हूँ कैसा क्या सीन है वहाँ पे, क्या होने वाला है। A few moments later. पीछे से गाना भी गाना है क्या, फूलों का तारों का? अरे भाई इतना बड़ा मुंह कौन खोलता है? मेरी मोटी बहना है। ये भगवान क्या जुलुम है? हाँ, तो और भैया 2010 मुझको देना। अरे बाप रे, अभी चक्कर आया तो उल्टा पता चला मैं लेके जा रही हूँ 50,000 लगा के। ये भी बैठे हुए हैं सारी जनता अपनी। अरे ये ठीक है, अरे इधर मुंह कर लो, इधर दिखा इधर। दोस्तों मुझे लिफाफा मिला है। तो ताई जी के यहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने भाई साहब जी को टीका किया क्योंकि दिन में इनके पास टाइम नहीं था, इनके पास बहुत सारे काम थे और मुहूर्त भी 1:30 बजे के बाद का था, तो फिर उसके बाद ही मैं कर सकती थी इसको टीका, और ये अवेलेबल ही नहीं था।
तो फिर मैंने इसको रात को टीका किया। तो गाइज मैंने अपना रक्षाबंधन ऐसे सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने किस तरह से किया है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था ग्वालियर का ट्रिप और अब मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल उड़ीसा, तो अब आपको उड़ीसा के व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया दुबे सतपति।